देवरिया के सलीमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बमनोली पांडे गांव निवासी कोतवाली के चौकीदार अरविंद कुशवाहा ने अपनी पत्नी कहासुनी में ममता कुशवाहा 28 वर्षीय को तमंचे से गोली मारी। घटना बृहस्पतिवार की रात बृहस्पतिवार के करीब 12 बजे की बताई जा रही है। आधी रात को गोली की आवाज सुनकर के पहुंचे आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। ये जनपद देवरिया में थाना सलीमपुर क्षेत्र के अंतर्गत उर्धौली ग्राम की घटना है, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद कुशवाहा है, उसने अपनी ही पत्नी को एक घरेलू पारिवारिक विवाद के बाद कहा सुने के बाद में गोली मारने की घटना है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।